मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कैथेटराइजेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। यूरिनरी कैथेटराइजेशन मतलब एक कैथेटर या ट्यूब का इंसर्ट करना यूरेथ्रा के थ्रू हमारे ब्लैडर में, ताकि हमारा जो ब्लैडर है वो रेगुलरली एम्प्टी होता रहे। ओके ना, इसके पर्पसेस क्या हैं? पहला, एक स्टराइल यूरिन सैंपल के लिए किसी भी डायग्नोसिस प्रोसीजर अगर हमें करना है तो। अगर पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए, प्लस हमें रेसिडुअल यूरिन मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट यूरिन पास करके आया है बट हमें चेक करना है कि पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हुआ है कि नहीं, या फिर उसमें रेसिडुअल बाकी है, या फिर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर है, तो हम लोग कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे आफ्टर पेशेंट नॉर्मल वॉइड करके आएगा। और अगर उसके बाद भी यूरिन निकला, मतलब देर इज़ सम रेसिडुअल यूरिन, ठीक है। उसके बाद में किसी सर्जरी से पहले, मेनली जब हमारी अबडोमिनल सर्जरीज होती हैं या फिर हम लोग एनेस्थीशिया के इफेक्ट में होने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमेशा कैथेटराइज किया जाता है, ताकि आगे कुछ टाइम तक पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, उसके बाद में अगर पेशेंट को कुछ वूंड हुआ है तो, या लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पेशेंट अगर यूरिन पास करेगा तो शायद उसकी बॉडी पे लग सकता है या फिर उसके वूंड पे लग सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। प्लस ब्लैडर इरिगेशन एक प्रोसीजर होता है जो हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे। वो प्रोसीजर के लिए भी जब हमें ब्लैडर को वॉश करना होता है, उस टाइम के लिए भी ब्लैडर को कैथेटराइज किया जा सकता है। प्लस अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें ब्लैडर को कैथेटराइज किया जाता है। नाउ यहाँ पे सम प्रिंसिपल्स हैं फॉर कैथेटराइजेशन। उसमें पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ ओपन है वो हम लोग वी विल कंसिडर दैट थिंग एज कंटामिनेटेड। उसके बाद में अंडरस्टैंड द सेकेंड प्रिंसिपल, अगर हम किसी एरिया को क्लीन करते हैं तो वहाँ का जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब वहाँ पे हम क्लीनिंग करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो गया तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज यूरिनरी जो ब्लैडर है वो एक स्टराइल कैविटी है। स्टराइल कैविटी मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लस जो हमारा यूरिनरी मिएटस है, मिएटस मतलब यूरेथ्रा का एंट्री पॉइंट जो है, वो एक पोर्टल ऑफ एंट्री एक्ट कर सकता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमें एटमोस्ट केयर देना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज, अगर हमारे स्किन इंटीग्रिटी में ब्रेक हो गया या फिर कुछ केमिकल या थर्मल रिएक्शन की वजह से कुछ इंजरी हो गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेड कर सकते हैं। प्रिंसिपल इज लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अगर हमने कुछ भी लुब्रिकेंट ऑयल या फिर जेली यूज़ किया है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और सेल ट्रॉमा कम होगा। नाउ हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है अबाउट द जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, वो क्लियर होना चाहिए बिफोर कैथेटराइजेशन, सो दैट अभी हम लोग को पता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर और हमें कहाँ पर कैथेटर इंसर्ट करना है। नाउ जो हम लोग प्रोसीजर हम लोग क्यों सीखते हैं, ताकि हमें एक सिस्टमेटिक वे पता है, हमें आर्टिकल सब हमारे पास में होंगे, इससे हमारा एनर्जी, टाइम और मटेरियल सब कुछ सेम होगा। प्लस अगर कोई कंडीशन अनफेमिलियर या फिर हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आप लोगों में ज़्यादा एंग्जाइटी होगी व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसीजर। सो फेमिलियरिटी मतलब नोइंग द प्रोसीजर विल रिड्यूस द एंग्जाइटी। नाउ कैथेटराइजेशन किन किन लोगों में किया जाता है? अगेन, अक्यूट एंड क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, कॉमेटोज मतलब कि अनकॉन्शियस पेशेंट, न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब नर्व इम्पल्सेस में कुछ प्रॉब्लम है, हाइपोटोनिक ब्लैडर, देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन किसी सर्जरी से पहले या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउ कैथेटर जो हैं वो मेनली बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली टू टाइप्स देख रहे हैं, वन इज इंटरमिटेंट एंड इनडवेलिंग। इंटरमिटेंट कैथेटर में क्या होता है, जैसे कि इमीडिएटली पेशेंट आया, हमने पेशेंट को कैथेटराइज किया, पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी किया, उसके बाद में वो कैथेटर निकाल दिया इमीडिएटली, उसके लिए मेनली रबर कैथेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो वो हम लोग पेशेंट के बॉडी में रखते नहीं है, सिर्फ हम लोग ब्लैडर एम्प्टी करते हैं और हम लोग निकाल देते हैं। नाउ इनडवेलिंग या फिर फोलीज कैथेटर क्या है,
जो हम लोग ब्लैडर सॉरी कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं वो पेशेंट की बॉडी में रहता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो नाउ बच्चों में ज़्यादातर 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ होता है, वुमेन में 14 to 16 फ्रेंच का और मेल पेशेंट में 16 to 18 फ्रेंच का। फ्रेंच क्या है, ये उसका साइज ऑफ द ल्यूमन है ना, उसका विड्थ कितना है, कितना मोटा कैथेटर यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इट। मेनली कैथेटर के टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगेन इसमें सुप्रा प्यूबिक भी ऐड किया हुआ है। नाउ इनडवेलिंग कैथेटर मतलब कि जो हम लोग पेशेंट की बॉडी में रखेंगे ना, उसमें भी ना दो टाइप के कैथेटर होते हैं, एक डबल ल्यूमन होगा और एक ट्रिपल ल्यूमन होगा, हम लोग देखेंगे उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ इंटरमिटेंट, जैसे मैंने बोला रबर कैथेटर, वो थोड़े टाइम के लिए डालते हैं, जैसे ही डालेंगे जब ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। और सुप्रा प्यूबिक कैथेटर वो एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है जो ओटी में किया जाता है, और जैसे डायरेक्टली हमने पेग फीट सब देखा था, पेग फीट पेट के ऊपर से एक ट्यूबिंग था, सिमिलरली ब्लैडर के ऊपर से हमें एक ट्यूब दिखेगा फॉर यूरिन कलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन। हम लोग टाइप्स ऑफ कैथेटर्स देखेंगे, ठीक है। जो पहला इमेज है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, जिसमें पार्ट ऑफ कैथेटर्स हमने ऑलरेडी देख लिया था। नाउ ये टाइप ऑफ फोलीस कैथेटर, टाइप ऑफ कैथेटर्स में पहला है ए, जो आपको रेड कलर का कैथेटर दिख रहा है, सिंगल ल्यूमन है, सिंगल पोर्ट है, वो एक्चुअली रबर कैथेटर है। जो हमने इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोला था उसके लिए यूज़ होता है, हम लोग वी विल जस्ट इंसर्ट किडनी ट्रे में हम लोग यूरिन कलेक्ट करके देन वी विल रिमूव दी कैथेटर। उसके बाद जो आपको बी दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, वो एक्चुअली उसका मटेरियल दूसरा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली सिलिकॉन कैथेटर। नाउ सिलिकॉन कैथेटर इज़ अ कैथेटर जो लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म मतलब कि जिन पेशेंट को हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है कैथेटर के साथ, उन लोगों के लिए ये सिलिकॉन कैथेटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसे हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके लिए वो सिलिकॉन कैथेटर यूज़ किया जाता है, उसमें भी दो पोर्ट हैं, ठीक है, दो पोर्ट मतलब दो ओपनिंग है। नाउ कैथेटर सी यू विल देखोगे, उसमें दो पोर्ट हैं, टू वे, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, एक से बलून इन्फ्लेट होता है और एक से हम लोग यूरिन कलेक्ट करते हैं। नाउ डी आप लोग देखोगे वो भी येलो कलर का है, दैट इज़ कॉल्ड फोलीस कैथेटर, बट वो थ्री वे है, थ्री वे में से एक जिसमें पर्पल कलर लगा है, वहाँ से क्या होगा, हम लोग बलून इन्फ्लेट करेंगे, जो उसके बाद जो सेकेंड पोर्ट है वहाँ वो हम लोग यूरिनरी बैग में अटैच करेंगे फॉर यूरिन कलेक्शन। जो थर्ड पोर्ट है वो एक्चुअली इरिगेशन के लिए है, वो एक ऐसा पोर्ट है जहाँ से हम लोग फ्लूइड पेशेंट की ब्लैडर में इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस मतलब हम लोग इंसर्ट करते हैं, वो वन वे है, वहाँ से सिर्फ हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, बट वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, उसमें वैल्व होती है अंदर, ठीक है। तो क्या है, वहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है, ब्लैडर इरिगेशन के लिए। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज़ ब्लैडर इरिगेशन, तो ये प्रोसीजर हम लोग अगेन अपने नेक्स्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर्स के बाद हम लोग ब्लैडर इरिगेशन का प्रोसेस देखेंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि थ्री वे जो कैथेटर है वो ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, डायग्राम में क्लियरली दिखाने की कोशिश की गई है कि जब हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और फिर जब बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो बलून क्या करता है, बलून एक्चुअली वो सील कर देता है ट्यूब कैथेटर को हमारे ब्लैडर में, है ना, ताकि वो वापस फॉल ना हो, ताकि वो वहीं पे रुक जाए। ओके, प्लस जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है वो बलून के ऊपर है, ताकि मैक्सिमम यूरिन जो है वहाँ से कलेक्ट हो। जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर कैथेटराइजेशन, हमें कैथेटराइजेशन नहीं करना है जब तक ऑर्डर नहीं है। सेकेंड, ये पूरा एक स्टराइल टेक्निक, स्टराइल प्रोसीजर है, ठीक है। प्लस थर्ड पॉइंट इज़ नेवर यूज़ फोर्स, फोर्स मतलब कि हमें कैथेटर फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है, शायद आप लोग किसी गलत ओपनिंग में हो, ठीक है। अगर आप लोग राइट ओपनिंग में कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो नॉर्मली इंसर्ट होगा, सो नेवर फोर्स, अगर हम फोर्स करेंगे तो इंजरी, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। जब हम लोग कैथेटराइजेशन करेंगे तो एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, देन कैथेटराइज करने से पहले हमें एडिक्वेट पेरिनियल केयर देना है, ठीक है, ताकि हम वहाँ का इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें। अगेन जो यूरिनरी मिएटस है उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। अगेन कॉटन बॉल जब यूज़ करेंगे तो वन बॉल वन स्ट्रोक यूज़ करना है, जैसे हमने आई केयर के लिए बोलते हैं एक
एक स्वैब से मतलब एक ही बार में एक स्वैब लेना है। सिमिलरली जब कोई भी हम लोग क्लीनिंग प्रोसीजर करेंगे तो वन स्वैब वन स्ट्रोक, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना। अगेन जब हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं तो कैथेटर का कोई भी पार्ट हमें टच नहीं करना है, वो हमेशा स्टराइल रहेगा और डायरेक्टली पेशेंट के ब्लैडर के अंदर जाएगा, हमारा हाथ उस पर टच नहीं होना चाहिए। देन लुब्रिकेट हमें करना है कैथेटर को एडिक्वेटली टू प्रोवाइड ट्रॉमा एंड इंजरी। ठीक है, पेशेंट को हमेशा इस प्रोसीजर के दौरान रिलैक्स पोजीशन में रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट अपना पेरिनियल रीजन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रोसीजर हम लोग आराम से नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट का कोऑपरेशन गेन करने के लिए हमें क्या करना है, उसे स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर पहले एक्सप्लेन करना है और उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है। ओके, आफ्टर द प्रोसीजर हमें क्या करना है, हमें हमारे हैंड्स वॉश करने हैं, पेरिनियम को ड्राई करना है, जो भी ड्रेप लगाए थे उन्हें रिप्लेस करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, यूरिन आउटपुट मेजर करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक रिकॉर्ड करना है, क्या कलर है यूरिन का, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, कहीं ब्लड तो नहीं है यूरिन में, ठीक है। देन आर्टिकल्स को वॉश करके उसे यूटिलिटी रूम में रिप्लेस करना है, अगर यूरिन सैम्पलिंग के लिए भेजना है तो दैट प्रोसेस वी विल डू, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ठीक है। प्लस अगर इंडवेलिंग कैथेटर है, इंडवेलिंग मतलब कि जो हमें हम रखने वाले हैं कैथेटर, तो हमें मेंटेन करना है कि उसका क्लोज सिस्टम मेंटेन हो। नाउ व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मतलब हमने एक बार अगर यूरिनरी कैथेटर में यूरिनरी बैग अटैच कर दिया तो वो उसको बीच में डिटैच नहीं करना है, कि नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो कंप्लीट सेट हमें रिमूव करना है, मतलब कि फोलीज कैथेटर और बैग का, ठीक है। तो नाउ उसको क्लोज सिस्टम हमें मेंटेन करना है, प्लस हमें एवरी 8 आवरली एटलीस्ट वो बैग एम्प्टी करना है। नाउ 8 आवरली किस में, जिसमें हम लोग को एवरी आवरली मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है, उनमें 8 आवरली। नाउ अगर पेशेंट आईसीयू में है प्लस जिसमें कंटेनर लगा हुआ है, उन पेशेंट्स में हमें एवरी आवरली उनका यूरिन आउटपुट चेक करना पड़ेगा, मतलब मेजर करना पड़ेगा। प्लस अगर उससे पहले अगर बैग भर जाता है तो भी हमें उससे एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें मेक श्योर करना है कि जो ट्यूबिंग्स हैं और जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूस है, उसमें कोई किंकिंग मतलब ट्विस्टिंग तो नहीं आ गई है, नहीं तो फिर यूरिन कलेक्शन में ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इस कैथेटर रिमूव करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग उसको डायरेक्टली पुल नहीं कर सकते, है ना, तो हमें पहले ब्लैडर जो बलून हमने इन्फ्लेट किया था उसे हमें पहले डिफ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस हमें पेशेंट को पेरिनियल एक्सरसाइजेस सिखानी पड़ेंगी, क्यों कि सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत टाइम तक कैथेटर ब्लैडर में था तो वो जो ऑरिफाइस था वो ओपन था, तो वहाँ के मसल्स शायद वीक हो गए, तो उसको वापस नॉर्मल फेज में लाने के लिए हमें पेरिनियल एक्सरसाइज वापस सिखानी पड़ेगी पेशेंट को। नाउ यूरिनरी कैथेटर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है अगर पेशेंट को जो हमने फॉलीज यूज़ किया था उससे अगर कुछ रिएक्शन हो तो, ठीक है। हेमैच्यूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन कैसे आ सकता है, अगर हमारे प्रोसीजर के टाइम कुछ ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से, प्लस टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है अगर हमने फोर्सफुली इंसर्ट किया कैथेटर को, तो ये दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैथेटराइजेशन।